हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को किस तरह हम स्टाइल दे सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई आम टेक्स्ट लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं ये एक सिंपल टेक्स्ट है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट वर्ड आर्ट। तो जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका वर्ड स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको गोल्डन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से सेम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसका हम कलर यही रहने देते हैं। यहाँ से भी थीम कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट को इफेक्ट देना। इफेक्ट जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, हिलो वगैरह हम यहाँ से देते हैं। या हम ट्रांसफॉर्म करना है हमें अपने टेक्स्ट को, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेडो। तो शेडो यहाँ से हम पर्सपेक्टिव चूज कर लेते हैं। तो आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का शेडो टेक्स्ट के पीछे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन। तो आपको रिफ्लेक्शन भी आई होप शो हो रहा होगा। तो 3D रोटेशन के बाद है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम अपने टेक्स्ट को फॉलो पाथ या रेप या किसी अलग तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऊपर से फॉलो पाथ वाला करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई फॉर्म वगैरह स्कूल का बनता है तो उसमें इस तरह से कुछ हमें लिखा मिलता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई और देख लेते हैं। ये देखें, अभी आपका टेक्स्ट नीचे ऊपर की तरह से नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है। जो भी आपके काम के मुताबिक जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड आर्ट, इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।